हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाना के इस फ्लावर से और मछली के हेड से एक डिश बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें इसे साफ करना होता है। तो साफ करने का तरीका बहुत इजी होता है। इसे जब आप इस तरह से जो पहला जो लेयर होता है उसको निकालना है, उसके अंदर से आपको ये निकलेगा। उसके अंदर आपको एक माचिस की तरह तिल्ली होती है, देखिए ये वाला, ये इसको आपको निकाल कर फेंक देना है। को साफ करके हुए आपको इस तरह नमक पानी लेना है, उसमें इन सबको डुबाते जाना है। इस तरह से काट लेने के बाद आपको इसको पानी में डालकर इस तरह से मसल लेना है। मसल कर आपको करीब आधा घंटे के लिए, इसे हाफ एन आवर के लिए इसी तरह छोड़ देना है। देखिए ये बनाना फ्लावर को जो मैंने काट कर भिगो कर रखा था, आधे घंटे के बाद मैंने इसे इस तरह से निचोड़ कर निकाल लिया है। और मैंने पहले से ही फिश जो हेड है, मछली का जो हेड है, उसे अच्छी तरह से हल्दी नमक लगाकर फ्राई करके रख लिया था। और इसे बनाने के लिए हमें तेल को गर्म कर लेना है, और जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें इस प्याज को देकर भूनेंगे। इसको बनाने के लिए मैंने दो बड़े प्याज रफली चॉप कर लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्च को स्लिट कर लिया, बीच से काट लिया है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें इन प्याज और मिर्ची को तेल में डालकर भूनेंगे। देखिए तेल गर्म हो गया था, इसमें मैंने मिर्ची और प्याज को डाल दिया और इसे हमें हल्का ब्राउन होने तक भूनना है। जब प्याज इस तरह से हल्का ब्राउन हो जाए तब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट को देकर इसे भी भूनेंगे। तब तक भूनना है जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन दूर ना हो जाए। जब अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तब हम इसमें 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया का पाउडर देंगे। ये मसाला आप स्किप भी कर सकते हैं। इसी में हम हल्दी और मिर्ची का पाउडर भी देकर इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद इसमें आपको बनाना के फ्लावर को डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसमें आपको इसी वक्त स्वादानुसार नमक ही दे देना है। नमक को देकर इसे थोड़ी देर आपको चलाना है, भूनना है। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें आप फ्राइड फिश हेड को देकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिश हेड को अच्छी तरह से आपको इसमें तोड़ लेना है और करीब 2 मिनट के लिए आपको इसे ढककर पकाना है। करीब 2 मिनट भूनने के बाद आपको इसमें 1/2 कप पानी के डालने हैं, 1/2 कप पानी, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। जब इसमें एक उबाल आ जाए तब आपको इसे ढककर धीमी आंच पर करीब 15 मिनट तक पकाना है, या तब तक जब तक इसके पानी जो है वो पूरी तरह सूख ना जाए। देखिए करीब 15 मिनट्स के बाद हमारा ये पानी जितना हमने दिया था वो सारा सूख गया है। इसका मतलब हमारा ये फिश हेड बनकर तैयार हो गया है। देखिए हमारी ये जो फिश हेड की सब्जी है बनकर अब तैयार हो गई है। इसे आप हरे धनिया से गार्निश करें और कुक्ड राइस के साथ इसे सर्व करें। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।